नमस्कार, आर एक्सप्रेस के खास शो, खास शख्सियत, खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं आर एक्सप्रेस का खास शो। और आज मैं आपको तारुक कराऊंगा एक ऐसे शख्स से जो रायबरेली का रहने वाला है और हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जावेद अली के सॉन्ग से डेब्यू करने वाला पहला शख्स बना है। आइए, हमारे साथ मौजूद आरिफ खान, और आरिफ खान से आपका तारुक कराता हूं और देखता हूं, चलता हूं, बातचीत करता हूं कि आखिरकार कैसा लग रहा है उनको डेब्यू करके, और हाल ही में कई समय से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। आरिफ, आपका स्वागत है। धन्यवाद सॉरी अखिल भाई, धन्यवाद। आरिफ, सबसे पहली चीज है मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितना समय हो गया आपको इस लाइन में आए हुए? मैं बॉम्बे, मुझे कम से कम 8 साल हो गए इस बॉम्बे आए हुए, और काफी साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अभी जाके मुझे ये एल्बम मिला जावेद अली का। और उससे पहले मैंने काफी काम किया, काफी छोटे छोटे रोल किए, जाके मुझे ये अभी जाके एक अच्छा ऑफर मिला कि हाँ, जिससे कि मैं, मुझे लगा कि आज मैं थोड़ा कैपेबल हुआ हूँ, आगे बढ़ा हूँ। इससे पहले मैंने वेब सीरीज भी किया, और काफी खुश हूँ ये एल्बम को पाके मैं। आरिफ, ये पूछना चाहूंगा वेब सीरीज किस प्रकार की थी, क्या नाम था उस वेब सीरीज का? एक वेब सीरीज थी अपना, जैसे होता है हैकिंग के ऊपर था ये, उस वेब सीरीज का नाम था रुफियंस। ये अपकमिंग वेब सीरीज है, आने वाली है, उस पे मैंने एज अ सेकंड लीड काम किया है। काफी अच्छा रोल है उसमें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर है मेरा, और काफी अच्छा शूट किया है उन लोगों ने, काफी अच्छा मेहनत किया हम लोगों ने उस पे, और सारे नए लोग उस वेब सीरीज में हैं, और मे भी आगे काफी अच्छा काम, और उसके अकॉर्डिंग और अच्छा काम हम कर पाएंगे। आरिफ, ये देखा गया है कि लगातार कई ऐसे स्ट्रगलर्स होते हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, उन लोगों को मौके नहीं मिलते हैं, तो उन लोगों के मन में क्या बातें चलती रहती होंगी ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी काफी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सबसे ये, जो भी स्ट्रगल कर रहा है इस लाइन में, सबसे यही बोलना चाहूंगा कि धैर्य रखें। इस लाइन में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि धैर्य, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना, तो फिर आप लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आप स्कूल जाएंगे या आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपको हर एक चीज में टाइम लगता है, तो वैसे ही ये इंडस्ट्री है अपनी, फिल्म लाइन है, जो जिस चीज में कि हमें धीरे 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 स्टेप बाई स्टेप हर चीज मिलती है, तो अगर आप उन चीज़ों पे भटकेंगे या किधर अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ों पे जाएंगे, तो फिर वो चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। आप अगर इस किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं ना, शिद्दत से मेहनत करें, तो आपको वो ज़रूर वो चीज़, वो मुकाम हासिल होगा, ये मेरा मानना है। मैं भी पिछले 8 साल से, मुझे भी लग रहा था कभी ऐसा मोड आया कि छोड़ दूँ, इस लाइन में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं लगा हूँ, और आज भी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, मैं अपने ऊपर मेहनत करता हूँ, और दिन पे दिन मैं स्टेप बाई स्टेप ऊपर जा रहा हूँ। आरिफ, एक चीज और जानना चाहूंगा कि हर फैमिली चाहती है कि उनके घर का जो चिराग हो कमा कर लाए। शुरुआत में जब स्ट्रगल का समय होता है तब आप कमा नहीं पाते हैं, तो घर का क्या रुख रहा, घर ने कितना सपोर्ट किया, घर में कितने मेंबर्स हैं आपके, ये जानना चाहेंगे हम लोग। घर वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं इन चीजों में कि हाँ, कि तुम मेहनत करो। फैमिली मेरी हमेशा सपोर्ट करती आई हुई है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें जितने भी टाइम लग रहा है लगने दो, ऊपर वाले को बिलीव रखो और आगे बढ़ते जाओ, और कामयाबी एक दिन अपने आप, जो मेहनत करता है उसको कामयाबी मिलती है, वो किसी भी फील्ड में हो, तो आप जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे, घर वालों का सपोर्ट है, फैमिली का पूरा सपोर्ट कर रहा है, और आप लोगों की दुआएं हैं, मेरे रैबली वासियों की दुआएं मेरे साथ हैं, और मैं दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा हूँ, काफी अच्छा। आरिफ जी, हाँ बोलिए जी, आरिफ रखे बात अपनी रखे, मैं वही बोल रहा हूँ आरिफ, ये हाँ आप कंटिन्यू, ये जानना चाहूंगा कि शुरुआत में जब आपकी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई के किस समय के अंतराल में आपको लगा कि मुझे एक अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री करनी चाहिए, मुझे इस लाइन में आगे चलना चाहिए, क्योंकि हर एक युवा की अपनी सोच होती है कि वो किस लाइन में आगे बढ़ेगा, किसी का इंजीनियर बनना, किसी का अधिवक्ता बनना, तो कब आपके अंदर ये सोच आई कि मुझे बनना है एक्टर? शुरू से तो मैं नहीं बता सकता कि मेरे दिल में कि एक एक्टर बनने का खौफ था या कुछ भी, मैंने ऐसा कुछ ड्रीम सोचा था बचपन से, ऐसा नहीं था। धीरे 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 जैसे जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती रही, मैं फिर पढ़ाई मेरी कंप्लीट होती, मैं धीरे 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 मेरे बस जानने वाले बॉम्बे में थे, तो फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो मुझे लगा कि लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया कि भाई तुम ठीक है, तुम मेहनत करो, अगर तुम्हें लगता है कि इस फील्ड में तुम जाना है तुम्हें,
शुरू से मुझे भी लगता था कि चलो मुझे कुछ बड़ा करना है, शुरू से मेरा ये प्लान था कि मुझे कुछ बड़ा लाइफ में करना है। तो मुझे लगा कि भाई मुझे आगे दिखना है, तो मुझे लगता है ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी रही, तो उसको मैंने चुना और इस पे आके सबसे पहले मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया अपने ऊपर। मैं दिखूंगा तभी दिखूंगा, तो इसलिए मैंने अपने ऊपर सबसे पहले मैंने अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट किया कि मुझे आगे बढ़ना है, और जब तक मैं दिखूंगा नहीं तो दिखूंगा नहीं। तो मैंने अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट किया, स्टार्ट किया था, तो दिन पे दिन लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मेरे मुझे लेके मिलने लगा कि हाँ तुम आगे कुछ कर सकते हो। तो फिर मैं और मेहनत कर, कि नहीं ऐसा नहीं कि मुझे लोगों ने ऐसा मोटिवेट किया तो मैं चुपचाप बैठ गया, मुझे लगा कि चलो ठीक है अब यहाँ से मेरी लाइफ रुक गई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं, मैंने मेहनत करना बंद नहीं किया। मैं आज भी जिस दिन फर्स्ट डे से जितनी मेहनत करते आया हूँ बॉम्बे के अंदर, आज भी मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो बस आरिफ ये जानना, हाँ बोलिए जी आरिफ, ये जानना चाहूंगा जब जावेद अली का ऑफर आपके पास आया तो फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके क्या थे उस समय? मुझे मुझे ये पता नहीं था कि मुझे ऐसा कॉल आएगा, और मैं सो रहा था, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे कॉल आया कि एक ऐसा एल्बम है कि वो जावेद अली ने गाया है। तो मैंने कहा भाई आई एम टोटली शॉक, पहले तो मेरा रिएक्शन है जावेद अली का एल्बम मेरे पास। तो फिर जब मैंने वो फाइनल किया, फिर मेरा शूट, फिर मैंने उस एल्बम को डन किया कि ठीक है मैं करूँगा ये एल्बम। फिर मैं शूट पे गया और शूट का गाना आपने सुना होगा मे बी शायद, बहुत सुपर था, मैंने सुना। फिर उस टाइम मैंने काफ़ी काम किया कि चलो, और फिर ये एल्बम मेरा कंप्लीट हुआ और आया, तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट मेरे लिए काम था, जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि आज मैं इस फील्ड के काबिल हूँ, और मैं दिन पे दिन इसी तरह और भी मेहनत करता। जब ये मुझे इतने बड़े सिंगर का एल्बम में काम करने का मौका मिला, तो मुझे ये लगा कि मैं और भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। मुझे ये चीज जब जावेद जी, हाँ, जी जब जावेद अली से आपकी पहली मुलाकात हुई, सेट पे कौन कौन ऐसे शख्सियत से जिनसे आपने सोचा हो कि मुझे इनसे मिलना जरूर है, चाहे एक ही बार मैं मिलूं, तो उनसे भी मुलाकात हुई, कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहते हो रायबरेली के लिए? मैं जावेद अली सर से मिला, काफी अच्छा रिस्पॉन्स थे, उन्होंने काफी हमें मोटिवेट किया कि हार मत मानो, लगे रहो, ये तुम्हारा फर्स्ट सीढ़ी है, इससे बेस्ट से बाकी तुम जाओगे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत खुश हूँ, और ये मेरा एक सपना है कि मैं, मेरा जो फेवरेट एक्टर है सलमान खान, उनके साथ काम करना एक मेरा ड्रीम है कि मैं उनके सारे पर काम बनाऊँ। तो अभी धीरे 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 स्टेप बाई स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहां तक भी पहुंच जाऊं। एक बार अभी हाल ही में एक मुलाकात हुई है, मुलाकात काफी अच्छी मुलाकात थी वो मेरी, बहुत खुश था, बस काम था, एक ये ख्वाहिश है कि बस एक बार उनके साथ काम करने का मौका मिले मुझे। और कोई ऐसी बातें हुई हो इस पूरी लाइन में, क्या चीज एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि शुरुआत में 8 साल हो चुके हैं, आपने जैसा बताया 8 साल आपको मुंबई गए हुए, घर से चले जाना, फिर वहां पर किसी का ना होना, अकेले रहना, तो किस तरह की परिस्थितियां देखने को आपको मिली शुरुआत? नहीं, हमेशा मेरे ऐसा नहीं कि मैं अकेला रहा हूँ, हमेशा मेरे भाई का सपोर्ट रहा मेरे पास, और हमेशा मेरे भाई ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही बोला कि अब मेहनत करो, मैं हूँ तुम्हारे, उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहा है, तो मैं उनके लिए हमेशा जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है। उन्होंने मुझे बॉम्बे में बहुत सपोर्ट किया, बहुत, मतलब जितना उनके लिए कोई अल्फाज नहीं, बस मैं बहुत सपोर्ट किया, आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ यहाँ पे बॉम्बे में, जो भी मैंने 8 साल गुजारे हैं इस फील्ड में, तो वो खुद शेयर मैं अपने मॉम को, अपने भाई को, अपने डैड को। आरिफ, सबसे बड़ी बात है कि आपके दोस्तों का क्या रुख रहा है, जब इस एल्बम के आने के बाद अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 1 दिन हुआ होगा इस एल्बम को लॉन्च हुए, तो दोस्तों का क्या रुख रहा है आपके लिए? दोस्तों ने बहुत, मैं से ज्यादा उनको खुशी होती है कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहली बात तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मेरे दोस्त मेरे लिए प्रे करते हैं कि तुम और आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दोस्त का सपोर्ट एक फ्रेंड के हमेशा रहना चाहिए, वो मुझे मिलता है हमेशा। आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो शायद मेरे दोस्तों की भी दुआ है मेरे साथ,
उनका सपोर्ट है मेरे साथ, वो हमेशा मुझे आगे बढ़ने की दुआ देते हैं और हमेशा आगे बढ़ रहा हूँ, बस हमेशा उनकी दुआ मेरे साथ रहे, बस एक हमें दोस्त बहुत अरे अगर कुछ हाँ जी हर एक की लाइफ लव लाइफ में भी होती है, आपकी अगर लव लाइफ की बात की जाए तो उधर से कितना सपोर्ट आपको मिला है शुरुआत से? इन चीजों पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट हाँ जो था वो था। अभी इन चीजों में फिलहाल मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने इससे मेरा एम एक ही है कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है। अगर मैं इन चीजों में आता हूँ तो शायद मैं कहीं से अपने करियर से भटक जाऊँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीजों में ना आऊँ। हाँ मैं कभी बीच में बहका भी हूँ, मैं गया हूँ इन चीज इस फील्ड में जिससे कि मुझे नुकसान ही हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब सिर्फ सिर्फ मेरा एक ही एम है कि मैं अपने काम पर फोकस करूँ और आगे बढ़ूँ, बस मेरा यही एम है अभी। मैं इन चीजों से बतौर अभिनेता आप आगे बढ़ रहे हैं लगातार, आर एक्सप्रेस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। मैं जानना चाहूंगा अगर आपकी रुचि की बात की जाए तो आप किन किन चीजों में रुचि रखते हैं या चीजों में रहा हो आपका? मेरा एक सबसे पहले एम था, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो कहीं ना कहीं मेरा वो एक ड्रीम था कि मैं क्रिकेटर बनूं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की और ऑलमोस्ट मैं सक्सेस हो जाता अगर थोड़ा सा, जैसे आज मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती, अगर उस टाइम मेरे जब मैं 12-13-14 साल का था तब मैं क्रिकेट में बहुत जुनून था मेरे अंदर, तब मैं क्रिकेट खेलता था। अगर जैसे फैमिली आज मेरे को सपोर्ट करती है कि तुम जो भी है पढ़ो, तो अगर उस टाइम करती तो शायद मैं आज इस फील्ड में ना आता, तो मैं एक क्रिकेटर के तौर पर आपसे बातें करता शायद इस टाइम, कि मेरा एक ड्रीम था सिर्फ क्रिकेट, मैं बहुत रुचि था क्रिकेट खेलने और आज भी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूँ। चलिए आरिफ बिल्कुल बहुत सही चीज है, पर क्रिकेट खेलते खेलते मेरे फिंगर भी ब्रेक हुआ, इंजरी हो गई थी, तो लगा रहता है इसकी अभी अभी भी क्रिकेट में। अरे बात करना चाहूंगा आप रायबरेली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि आप इस समय महाराष्ट्र में हैं, मैं इस वजह से उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म सिटी बनाने की बात कही है ताकि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, कितनी खुशी होती है आपको? मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे बड़ी बात हमारे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी मिल गई, जिससे कि मुझे खुशी है कि मैं इतनी दूर आया हूँ, तो मैं इस काम को जब मेरे उत्तर प्रदेश में होगा तो मैं अपने उत्तर प्रदेश में काम करूंगा, मुझे इतनी दूर आके स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है, तो अगर ये चीज मेरे उत्तर प्रदेश में मुझे मिलेगी तो मैं इतनी दूर क्यों आऊंगा, फर्स्ट ईयर। और मैं योगी जी को जितना भी धन्यवाद दूं कम है, बहुत अच्छा लगा जब ये मैंने सुना कि हाँ अपने यूपी में भी फिल्म सिटी बन रही है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि हम लोग जो हमारे यूपी के जो हैं बहुत लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जो जिनको कुछ भी नहीं होता बेचारे लौट जाते, तो वो अपने शहर में ही क्यों ना स्ट्रगल करें, जिससे कि उनको वो कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े जो महाराष्ट्र में आगे करनी पड़े। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है यहाँ पे आके, तो अगर वो चीज़ वहाँ पे लोगों को मिलेगी तो उनके लिए काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी उनको मतलब इजी लगेगा वहाँ पे। आरिफ क्या इसको लेकर आपकी मुलाकात हुई फिल्म परिषद के लोगों से या किसी सदस्य थे? क्योंकि हाल ही में आर एक्सप्रेस ने एक इंटरव्यू किया जो राजू श्रीवास्तव के पीआरओ थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि कई लोग अपना ऑडिशन दे रहे हैं, कई लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या इस तरह के फॉर्म में अभी तक आपने रुचि की और आपने आगे इंटरव्यू के लिए बात करी कुछ? नहीं अभी तो मैंने फिलहाल नहीं, क्योंकि मैं इस कामों में बिजी था, तो अभी मैंने इस मैटर में कोई भी बात नहीं हुआ है। अगर इन फ्यूचर में मेरा कोई बात होता तो ज़रूर मैं इन चीज़ों में सपोर्ट करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे यूपी में एक अच्छा काम हो रहा है तो मैं उसमें क्यों ना सपोर्ट करूँ, तो मैं चाहता हूँ। प्रदेश सरकार की ये जो नीति आई है, जो ये योजना आई है, इससे फिल्म इंडस्ट्री के युवाओं को क्या चीज फायदा मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है यूपी बिहार के कई ऐसे लोग हैं, वो चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, कई ऐसी शख्सियत हैं जो स्ट्रगल करके आज बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो उन लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। वो चाहे पाठक जी की बात कर ले, जो मिर्जापुर में एक अच्छा रोल किया उन्होंने, आर एक्सप्रेस ने उनका इंटरव्यू भी किया था और लगातार कई लोगों का इंटरव्यू आर एक्सप्रेस कर रहा है, और इन्हीं लोगों से बातचीत की गई थी, उन्होंने बताया कि यूपी और बिहार से वो लोग जुड़े हुए हैं,
तो उन लोगों को स्ट्रगल काफी करना पड़ा, तो क्या युवाओं को क्या फायदा मिलेगा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि उनको अपने शहर से बाहर निकलना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात एक ये है, जो बाहर आके वो जिनको स्ट्रगल बढ़ जाता है, वो स्ट्रगल बढ़ेगा नहीं, वो अपने शहर में रह के जो मुकाम पाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आना चाहते हैं, वो उनको शहर में ही वो मिलता है, तो वो इतनी दूर क्यों आएंगे, फर्स्ट ये है। और नवाज भाई के आपने नाम दिया, पंकज जी का आपने नाम दिया, तो लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, मैंने इनकी फर्स्ट मूवी, शायद मेरा जन्म हुआ था नहीं हुआ था, इनकी फर्स्ट मूवी थी सरफरोज, तो नवाज भाई ने एक बहुत छोटा करेक्टर किया था उसमें, मतलब वो लोग उनको देखो तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हार नहीं माननी चाहिए कभी। और मैं चाहता हूँ कि मतलब कभी भी आप, अगर आप कभी दिल में ऐसा हो रहा है कि आप नहीं इस फील्ड में मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इन लोगों को देखें, इन लोगों से सीखें, इन लोगों से जितना आप सीखेंगे आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे नवाज भाई हैं, अंकित जी हैं, और भी जो उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, वो इस चीज़ को सपोर्ट करें, इस चीज़ को और बढ़ावा दें कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बन रही है उसको जल्द से जल्द कामयाब हो और वो और बहुत तरक्की करे। आप जैसे एक नाम हमारा बॉम्बे में नाम है फिल्म, बिल्कुल हैदराबाद में फिल्म सिटी, तो अपने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी होगी तो उसका भी बहुत नाम होगा। तो काफी खुशी मिल रही है आप लोगों को। और आप, आपके अगर दो फ्रेंड सर्किल की बात की जाए, तो फ्रेंड सर्किल में देखा गया कि कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो इस उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी है उसमें वो कोशिश करेंगे, बातचीत से कुछ लगता हो? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो काफी खुश हैं, अभी रिसेंट में एक मेरे फ्रेंड है तो काफी भोजपुरी पिक्चरें कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत रुचि की, हम लोग बॉम्बे में ही रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सब ये उनका कहना है कि हम लोग क्यों ना, अगर यूपी में अगर ऐसा चल रहा है, फिल्म सिटी बन रही, तो हम लोग क्यों ना वहाँ चल के अपना काम करें, तो देखते हैं आगे और क्या प्लान होता है हम लोगों का। ऐसे मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी चर्चा है इस फिल्म सिटी को लेकर। चलिए आरिफ, अपनी अपनी लगन को इसी तरह जारी रखिए और लगातार ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरह और ऊंचे मुकाम को छुएं और लगातार आप प्रयास करते रहें, कभी भी कोई भी मनोबल अपना ना कभी गिराइएगा और लगातार इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने अपना समय आर एक्सप्रेस को दिया और लगातार आप हमारे साथ बने हुए थे, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।